Hello student, today we are start new chapter of class 8 and subject is assisting and in history and topic name is how, when and where. Almost अगर हम लोग बात करें या आपके English grammar या बात करें हम लोग English reader के अंदर हमारे questions put up किए जाते हैं या फिर पूछ सकते हैं हम लोग ये जो interrogative words जो हमने अभी just जिसके बारे में read out किया है ये हम लोग use करते हैं. How means हम लोग जानते हैं कैसे, when means होता है कब और where means होता है कहाँ. तो इसलिए ये तीनों जो थ्री वर्ड जो हमारे को या बोलते हैं इंटरगेटिव वर्ड जो हमारे को दिए हुए हैं इन तीनों के ऊपर बेस्ड जो है हम लोग आज इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे या बोलते हमारा टॉपिक जो है इन तीनों के ऊपर बेस्ड है. क्योंकि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो चैप्टर है या बात करें हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री एज यूजुअल उसमें जो अपने टॉपिक दिया हुआ है व्हेन सॉरी हाउ व्हेन और वेयर. तो इसी के बेस्ड हमारे पूरा चैप्टर रहेगा. अब फर्स्ट थिंग आती है कि ये जो वर्ड्स हमारे को दिए हैं इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर तो इसका क्या रिक्वायरमेंट आई या फिर बोल सकते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी या फिर इनकी नीड क्यों रही हमारे हिस्ट्री में और बात करें हम लोग हमारे इतिहास के अंदर. तो फर्स्ट थिंग अगर हम लोग लें इसी से रिलेटेड तो हम लोग कॉमनली बात करेंगे हाउ व्हेन और वेयर ये यूज़ क्यों काम में लिया जाता है या इनको क्यों यूज़ किया जाता है. तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि हम जब भी कोई इंसिडेंट या कोई घटना घटती है या बोलते हैं कुछ भी इवेंट होता है तो हम लोग हमारे जो क्वेश्चन होते हैं तो इसी के सराउंडिंग होते हैं इसके आसपास ही होते हैं इसके चारों तरफ ये क्वेश्चन जो हम लोग पुटअप करते हैं या बोलते हैं तो वो इंसिडेंट इसी के आसपास होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कोई एक्सीडेंट होता है तो हम लोग पूछते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ. ठीक है, फिर सेकेंड थिंग हम पूछते हैं कि वो कैसे के बाद में कहाँ हुआ. ठीक है, उसके बाद हम पूछते हैं व्हेन मतलब कब हुआ. तो हमारी हिस्ट्री जो है ऑल ओवर एक तरह से ये मान के चलो कोई इंसिडेंट या एक तरह से जो घटना घटी है या कोई इवेंट हुआ है उसी के ऊपर बेस्ड होता है. तो इसीलिए वहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं बोल सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं. तो हम लोग फर्स्ट इसमें जानेंगे कि इम्पोर्टेंस क्यों है डेट्स. क्योंकि सीरीज की बात है जब भी इवेंट की बात आ रही है कोई इंसिडेंट या कोई घटना है उसकी बात आ रही है तो उसमें सबसे फर्स्ट थिंग क्या आती है कि डेट्स आती है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग लेंगे ह्यूमन बींग से रिलेटेड लेके चले तो मान लो कोई न्यू बेबी बोर्न होता है तो वो मतलब कब बॉर्न हुआ, फिर बाद में उसने अपनी एजुकेशन कब कम्प्लीट करी, फिर देन उसके बाद में आगे की जो लाइफ है उसने कैसे स्पेंड करी या फिर बाद में कौन सा टाइम ड्यूरेशन था जिस टाइम पे उसने ऑल ओवर अपना कम्प्लीट किया लाइफ साइकिल बोल सकते हैं या पूरा जो एजुकेशन वगैरह जो भी इंक्लूड होता है सब चीज़ें. तो हम लोगों को कैसे पता लगा डेट्स. तो इस मीन्स कि जितने भी हम लोगों ने अभी बात करी चाहे वो वैन हो चाहे आपके वेयर हो चाहे हाउ हो तो ये सारी चीज़ें जो है डेट्स. और डेट्स क्यों ज़रूरी होती है क्योंकि जब भी हम किसी इवेंट की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट थिंग आती है कि किस दिन. अब किस दिन से मतलब मे भी हो सकता है वो ईयर भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है या पर्टिकुलर जिस हम लोग बात करें डेट भी हो सकती है. तो इसलिए इसी में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है डेट जो कि एज यूजल हर जगह काम आती है. क्योंकि अगर हम लोग एंशियंट टाइम के बारे में बात करें या किसी किंग के बारे में बात करें या राजा के बारे में बात करें तो हम लोग क्या बात बोलते हैं कि लाइक उस वो राजा कौन से ईयर में या कौन से बोल सकते सन के अंदर आया था या फिर उसने बैटल कब लड़ी या कौन से ईयर के अंदर उसने बैटल जो है फोर्ट करी या फाइट करी. देन उसके बाद में क्या पूछा जाता है फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लो उसका नेक्स्ट जो सक्सेसर आया है मतलब नेक्स्ट जो राजा बना वो कौन से ईयर में बना था या फिर पूछ सकते हैं नेक्स्ट जो ईयर जो था उसके अंदर कब. तो ऑल ओवर कब किसके सराउंडिंग घूम रहा है सब कुछ डेट. तो ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे हाउ व्हेन और वेयर तो इसमें फर्स्ट थिंग आती है कि डेट कि डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है. मतलब कोई भी डेट अगर हम लोग लेके चलते हैं किसी भी छोटे से इवेंट से या छोटी सी चीज़ से लेके तो डेट वहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट बताई गई है. बिकॉज ऑफ किसी भी इवेंट और इंसिडेंट को हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं कैसे याद रखेंगे उसकी डेट से. ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होता है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट है या डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो देर वॉज अ टाइम वैन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स. मतलब कि एक टाइम हुआ करता था कि जितने भी हिस्टोरियंस होते हैं मतलब इतिहासकार जो इतिहास के बारे में जानते हैं या फिर इतिहास के बारे में जवाब हो सकते हैं लिखते हैं वो आपके हिस्टोरियंस हो गए तो वो सारे फैसिनेटेड विद डेट्स. वो डेट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे या बोल सकते हैं डेट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे. अब सिंपल से थिंग है कि मान लो कि एक नॉर्मल लेके चले जो हिस्टोरियन है जो इतिहास के बारे में जानता है इतिहास के बारे में लिखता है या उसके बारे में जानने की कोशिश करता है तो वो क्या क्या चीज़ें याद रखेगा या सबसे पहले क्या जानने की कोशिश करेगा. सबसे फर्स्ट थिंग डेट. और डेट क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब डेट की बात आ रही है तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किससे रिलेटेड. मान लो कि किंग है तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पुटअप करेगा कि उस किंग ने कब से कब तक मतलब
कौन से ईयर से लेके और कौन से ईयर तक उसने वो जैसे अपना जो किंगडम है या बोल सकते हैं वो सक्सेसर एक तरह से या उसने अपना एम्पायर जो है रन किया या उस चलाया, तो वो कैसे हो गया डेट, मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग नॉर्मल बात करें तो हमारी जो काउंटिंग है एज यूजल इसमें से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, फिर आगे आगे इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट मतलब अनगिनत होती है जो हम लोग काउंट भी करना चाहें बोल सकते हैं उसको, या फिर एक लिमिटेड लेके चले तो अब जीरो से लेके हंड्रेड अगर वो लेके लिमिटेड। तो इसमें भी वही हो गया कि कोई राजा कब से कब तक उसने उसने शासन किया, या हम लोग बात कर रहे हैं उसने कब से कब तक उसका एम्पायर रन किया, तो सारे डिपेंड डेट्स के ऊपर होती है। तो इसलिए इसमें बोला कि जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो सारे सारे क्या करते हैं, सबसे पहले डेट को फोकस करते हैं, डेट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। यू मे हैव हियर पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइज डेट्स, और इसी कारण मे बी स्टूडेंट्स के साथ भी होता है, या फिर बात करें हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग है सबके साथ होता होगा। तो लोग बात क्या बोलते हैं या स्टूडेंट्स से क्या सुनने को मिलता है, या फिर कभी कभी सुना ही होगा आप लोगों ने खुद ने कि हिस्ट्री सबसे बोरिंग है। क्यों है बोरिंग? बिकॉज इसमें हमें क्या याद रखना पड़ता है, मेमोराइजिंग डेट्स, डेट्स याद रखनी पड़ती है। क्योंकि जब भी हम लोग कोई किंग या पर्टिकुलर हम लोग बात करें, कोई रिफॉर्म्स कोई बदलाव हुए हैं, कोई चेंजेस हुए हैं, तो हम लोग की जब भी बात आती है तो हम लोग सबसे फर्स्ट पूछते हैं कि वो राजा कब आया था। क्योंकि बाकी चीज़ें हम लोग बाद में इंक्लूड करेंगे, कि पहली जो हम लोग बातें वो किंग कब आया था या राजा कब आया था, तो सबसे फर्स्ट चीज़ वही होती है। तो इसलिए हिस्ट्री को लोग क्यों बोरिंग समझते हैं, बिकॉज ऑफ कि उसमें मेमोरीज या सॉरी उसमें सबसे ज़्यादा क्या लर्न करना पड़ता है, वो आपको डेट्स। फिर इन सच कॉन्सेप्ट ट्रू, ये जो कॉन्सेप्शन हो सकती है, जो कॉन्सेप्ट ये जो चीज़ है, मतलब कि लाइक हिस्ट्री बोर है बिकॉज डेट्स लर्न रखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट सही है। मतलब अगर हम लोग इसी से क्वेश्चन पुट अप करें, मतलब जो हमारा टॉपिक है या हमारी लाइन है कि लाइक डेट्स वो लर्न करनी पड़ती है, इसलिए हिस्ट्री बोरिंग है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट ये चीज़ सही है? तो आगे हम लोग बात करेंगे। हिस्ट्री इज द सर्टेनली अबाउट द चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, क्योंकि हिस्ट्री क्या होती है, अब हिस्ट्री क्या हम नॉर्मली लेके चले, एक न्यू बॉर्न बेबी है और एक एडल्ट बेबी है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी जब बॉर्न हुआ है और उसके बाद फिर जब तक वो एडल्ट होता है तब से लेके और स्टार्टिंग से लेके और तब तक वो जो एडल्ट होता है तब तक के काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, तो वो क्या एक तरह से उसके लिए हिस्ट्री है कि लाइक मैं बचपन में कैसा था और अब कैसा हो गया, या बोल सकते हैं हम लोग बचपन में लोग कैसे थे या बचपन में क्या एक्टिविटीज़ थी या क्या बोल सकते हैं ना एक्शंस उसके थे, और अब एडल्ट बड़ा होने के बाद या पूरे बोल सकते हैं ना एज वेल 18 ईयर कम्प्लीट करने के बाद क्या होता है। तो इसने क्या बोला कि अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये हिस्ट्री एक तरह से चेंज ही है, मतलब अगर हिस्ट्री का हम सिनोनिम्स लें तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हिस्ट्री को हम लोग वन वर्ड में डिफाइन करें तो चेंजेस। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री का मतलब क्या है, इतिहास जो बीत चुका है जो हो चुका है, तो इस मीन्स वो चीज़ पहले हो चुकी है तो वो क्या होगी अभी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव ना होगी, काफ़ी ज़्यादा क्या होगी वो डिपली होगी, या एक तरह से हम लोग बात करें काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी होगी या बैकवर्ड होगी, और अभी के टाइम पर बात करें प्रेजेंट के टाइम पर तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी या काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी, तो ये वो हिस्ट्री का पार्ट होता है। इट इज़ अबाउट द फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। हिस्ट्री के लिए क्या मतलब बोला गया है कि इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या कि पास्ट में क्या चीज़ें बढ़िया थी और क्या चीज़ें खराब थी, या फिर हम सीरीज से बात करें कि पास्ट में कौन सी चीज़ें हुआ करती थी और प्रेजेंट में या रिसेंटली कौन सी चीज़ें होती है। तो ये हमारा पास्ट है, जो कि हम लोग हमारे पास्ट की बात करें जो बीत चुका उसके लिए। As soon as we compare the past with present, we refer to time. We talk of before and after. मतलब हम जब भी बात करेंगे इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट थिंग हम लोग क्या बात करेंगे, टाइम, मतलब कि पहले का क्या टाइम था और अब का क्या टाइम। नॉर्मली आप लोगों के जो एल्डर्स हैं या बात करें लोग बड़े जो लोग हैं उनसे आपने सुना होगा कि पहले कैसा टाइम हुआ करता था, पहले कैसे कैसे चीज़ें हुआ करती थी और अब कैसे कैसे होती है। नॉर्मली जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लें अभी रिसेंटली का, जैसे लॉकडाउन से पहले क्या सिचुएशंस थी और लॉकडाउन में क्या सिचुएशंस हैं, तो ये सारी एक तरह से हम लोग बात करें किसका, पास्ट का जो है एक तरह से पार्ट है, या फिर हम लोग बोलें हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये सब चीज़ें कब क्यों होती है, क्योंकि हम लोग क्या उसमें क्या करते हैं, जब भी किसी पास्ट की बात करें ना हम लोग सबसे पहले रेफर किसके टाइम के बारे में बात करते हैं, मतलब समय के बारे में कि उस टाइम पे कैसा समय था, कैसा टाइम था और वो कैसा बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर मतलब जैसे मैंने बोला कि लॉकडाउन से पहले सिचुएशन कैसे थी और लॉकडाउन में कैसी सिचुएशन है, ठीक है, तो वो सिचुएशन कैसे है टाइम।